नबी ज़िलहिज्जा की फ़ज्र की नमाज़ के फ़ौरन बाद से 13वीं ज़िलहिज्जा की असर तक हर नमाज के बाद मर्द हजरात के लिए बा आवाज़ बुलंद और ख्वातीन के लिए आहिस्ता आवाज़ से एक मरतबा इन कलमात का पढ़ना वाजिब है। वो कलमात ये हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसमें पहला मसला ये है कि ये तकबीरात नमाजों के फौरन बाद कही जाएंगी। अगर इंसान उस वक्त कहना भूल जाए या जानबूझकर कोई ऐसा काम कर ले जो नमाज के मुनाफी होता है, या कोई बात जबान से कर ले या भूल कर मस्जिद से निकल जाए, तो अब ये तकबीरात नहीं कही जाएंगी और इनकी कज़ा नहीं होती। अब तौबा व इस्तग़फ़ार के ज़रिए ये कोताही बख्शवाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा मसला है, अगर किसी नमाज के बाद इमाम साहब तकबीर कहना भूल गए तो उनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि मुक्तदी खुद ही ये तकबीरात कहना शुरू कर दें। और तीसरा मसला, इमाम के सलाम फेरने के बाद जिन मुक्तदियों की रकातें बाकी रह गई हैं, वो इनकी अदायगी के बाद बा आवाज़ बुलंद ये तकबीरात पढ़ेंगे।